मायावती प्रधानमंत्री बनने वाली हैं और इंडिया अलायंस में आ सकती है, लेकिन फिर उनका ट्वीट आया, फिर सब कुछ बदल गया। देखिए, सोशल मीडिया पे कुछ भी चलाने के लिए कुछ ऑथेंटिक प्रूफ की तो जरूरत है नहीं। अब जो आपने कहा कि लोग कह रहे थे कि बहन जी प्रधानमंत्री बनने वाली है, तो बहन जी को प्रधानमंत्री बना कौन रहा है? जिस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट के आदमियों को गांव का प्रधान पसंद नहीं करें लोग, और खासतौर से चमार जाति में अगर शेड्यूल कास्ट में गाँव में प्रधान आ जाए तो वहां पर खटीक को नॉन चमार को बना देंगे वो, लेकिन चमार को नहीं बनाएंगे। तो ये बड़ी बात है, आप समझिए इस चीज को, कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की जो लोग बात कर रहे थे, उनके लिए मेरा कहने का मतलब ये है कि वो हवा हवाई सारी बातें हैं। उतना आसान नहीं है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना या बन जाना। बहन जी को प्रधानमंत्री सिर्फ वो फूले अम्बेडकरी विचारधारा, जो बहुजन का जो कॉन्सेप्ट है, उसी के आधार पर बहन जी देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। बाकी ये तमाम लोग हवा हवाई है जो झूठे नारे लगा रहे हैं। सोनिया गांधी के कहने पर प्रियंका गांधी ने काफी देर तक बहन जी से बात की और पीएम कैंडिडेट को लेकर। देखिए, मैं आपको बताऊं, जितना मुझे, मैं बसपा की राजनीति को समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी और सोनिया गांधी जी, एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये सब मुझे पता है। उनमें अक्सर बात भी होती है, शायद ही हफ्ता 10 दिन में कोई, मतलब ऐसा कोई दिन हो या एक दिन दो दिन के बाद में जिनमें बातचीत ना होती हो। और ये तमाम लोगों को पता है कि बीजेपी के काल में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, जितना इस देश के दलित और मुसलमानों को नुकसान है या ओबीसी को नुकसान है, वो शायद ही दूसरे अन्य किसी वर्ग को नहीं है। और इन दोनों की पार्टी, जो एससी एसटी की ओबीसी की पार्टी का जो नेता नेतृत्व करने का दम कौन भरता है? मायावती जी भरती है। तो मायावती जी को भी ये सोचना चाहिए कि इनको बचाना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मायावती जी ये कह रही है कि हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे, हम किसी भी पार्टी या गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो किस दबाव में है और वो ऐसी बात क्यों कर रही है, जबकि उनको पता है और हमें तमाम लोगों को पता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी तो शायद ही है कि खाता भी खुल पाए। अच्छा, कहा जा रहा है इंडिया अलायंस कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस के नेता आए दिन बयान देते हैं कि बिना मायावती जी के इंडिया गठबंधन का सफल नहीं हो पाएगा, तो ये सच्चाई है। और जब उनको लगता है कि सफल नहीं हो पाएगा तो मायावती ही मोदी को हटा सकती है तुम्हारे साथ आकर के, तो फिर इनाम भी उतना ही बड़ा चाहिए। अगर आप, मुझको लगता है कि भाई इस बैट्समैन के बिना हम ये सामने वाली टीम को नहीं हरा सकते हैं, प्ले 11 में इसका होना जरूरी है, तो फिर उसको कप्तान बनाओ ना, दिक्कत क्या आ रही है? या तो आपको उसको कप्तान ही बन सके, बैटिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन कप्तान आपको नहीं बनाना चाहते, नेतृत्व सौंपना नहीं चाहते, तो नेतृत्व की ये झगड़ा है। जहां तक मैं बहन जी को समझता हूँ, मैं 2-4 बार उनसे मिला हूँ, मेरी बातचीत होती है, तो जितना मुझे पता है ये नेतृत्व का झगड़ा है। बहन जी जो है वो, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस से, मैं तो तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलता हूँ, कहता हूँ थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ यार, कह दो इस बार देश की प्रधानमंत्री जो है वो मायावती, कान में जाकर के कह दो, बाद में ऐसे मत बोलो, विश्वास में ले लो बहन जी को। लेकिन कांग्रेस के साथ भी गड़बड़ क्या है कि कांग्रेस के जो आधे से ज्यादा नेता हैं वो ऐसे हैं जिनके आधा परिवार बीजेपी में और आधा कांग्रेस में, सिस्टम वहां भी सब मनुवादी है। अब आप देखो ना, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि एक आदमी ने छात्र राजनीति शुरू की और छात्र राजनीति से वो एमएलए बना, एमपी बना, मिनिस्टर बना, कई कई बार मंत्री रहा, उसके बाद में राष्ट्रपति बना दिया, और उसके बाद में जब राष्ट्रपति नहीं रहा वो आदमी, तो फिर कच्छा पहन करके आरएसएस की शाखा में खड़ा था। मतलब जिस आदमी की छात्र राजनीति कांग्रेस से शुरू हुई हो और जिस आदमी को कांग्रेस ने राष्ट्रपति भी बना दिया हो और बाद में प्रणब मुखर्जी कच्चा पहन करके आरएसएस की शाखा में खड़ा है, तो आप समझ लीजिए ये कैसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लोग जो वो संगी नहीं है। बहुत सारे लोग कहने की अधिसूचना जारी होने के बाद बड़ा खेल कर सकते, आपके मुंह में घी सक कर, मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो। मैं तो हमेशा से ये कह रहा हूँ कि बहन जी इंडिया गठबंधन में आए, हम भी खुल करके प्रचार प्रसार करें, और आप ये जो कह रहे हो कि क्या नाम है वो लगने, आचार संहिता लगने के बाद हो सकता है बहन जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए, तो आपके मुंह में घी सक्कर, हम तो चाहते हैं ऐसा हो लेकिन उम्मीद बहुत कम। लेकिन राहुल रामपाल जी जो 85% का जो सिनेरियो लगातार पिछले कई 10 सालों से हम लोग सुन रहे हैं, 85% बहुजन राजनीति और SC ST OBC की बात, तो क्या ये सिर्फ एक दिखावा टाइप का चल रहा है? काशीराम साहब का पूरा जीवन लगा बहुजन समाज बनाने में, वो वाह मुश्किल 10% ओबीसी को अपने साथ जोड़ पाए, वाह मुश्किल, ठीक है ना? और वो भी कौन सा ओबीसी था? पटेल, निषाद, मल्हा, ठीक है ना, जो मोस्ट मौर्य, शैनी, कुशवाहा, ये जो मोस्ट बैकवर्ड था, जो बुद्ध के नाम पर साथ आ गया था, और वो भी इसलिए आ गया था पूर्वांचल में जहाँ जहाँ ये था, इसको ना तो कांग्रेस और ना बीजेपी कभी राजनीति में गिनती नहीं थी, तो इनको क्योंकि ओबीसी का जो सवर्ण मानसिकता वाला तबका, ऊपर वाला तबका है, जाट, गुजर, ठीक है, ये यादव, ये हमेशा से राजनीति में हावी रहा, तो वो नीचे तक राजनीतिक लाभ आने नहीं देता था। तो काशीराम ने साहब ने उनको इकट्ठा किया, दलित को, उसके साथ दलित की खासतौर से चमार जाति को इकट्ठा किया, थोड़ा सा मुसलमान आया तो सरकार बन गई, तो 30-32% बन गया। तो काशीराम साहब के पूरे जीवन के बाद में, पूरे जीवन की के संघर्ष के बाद में 10% ओबीसी जो साथ आ पाया था। और अब ये कहना कि हम बहुजन समाज बनाएंगे, बहुजन समाज बनाना कोरी कल्पना है, कुछ नहीं है,
अम्बेडकर बात बनाइए, जो लोग साथ में आ जाएं समता मैत्री करुणा के विचार पर वो लोग आएंगे। आप इस देश का क्या नाम है सर्वे उठा करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा दलितों का शोषण अत्याचार ओबीसी ही करता है। आप मुझे बताइए अभी हाल ही में जो है क्या नाम है रामपुर में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्क को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें एक बच्चे की हत्या होगी, स्टूडेंट की हत्या होगी पुलिस की गोली से, उसमें कौन पार्टी बना? पटेल बने ना पटेल। तो क्या नीरज पटेल ने वीडियो बनाया उस पर? क्या नीरज पटेल आए अपने लोगों को समझाने के लिए? नीरज पटेल तो बड़े बहुजन समाज के पत्रकार है ना, हमारे साथी भी, मित्र भी हमारे अच्छे। तो क्या नीरज पटेल उस गांव में आए, उन्होंने अपने अपने लोगों से कहा कि आपने हम तो अम्बेडकरवादी, आपने ऐसा क्यों नहीं किया ना? क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का सुधर जाना और वो आगे बढ़ जाना। अगले से याद क्या नाम है लक्ष्मण यादव बात करते हैं बहुजन एका की, तो क्या पूरा यादव समाज करता? नहीं करता ना। कई जगह ऐसी भी जहाँ यादव समाज दलितों का शोषण करता है। तो एक आदमी के सुधर जाने से, एक आदमी के बहुजनवादी हो जाने से, बहुजन विचारधारा को स्वीकार कर लेने से बहुजन समाज नहीं बनता है। बहुजन समाज के लिए जैसे एक लहर में तमाम लोग हिंदू हो गए ना, अब देखो जिन लोगों ने कभी 50 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल, 30 साल पहले 90 के आसपास जब मंडल और कमंडल की लड़ाई चली थी, तो जिन लोगों ने कमंडल को हराया था मंडल की लड़ाई लड़ते हुए, कौन लोग थे वो? कौन लोग थे? काशीराम थे, मायावती थी, अजीत सिंह थे, क्या नाम है तुम्हारा, लालू यादव जी थे, शरद यादव जी थे, बीपी सिंह थे, यही लोग थे ना। इन्हीं लोगों ने मिलकर के कमंडल को रोका था और मंडल को जिताया था। आज उनके दूसरी पीढ़ी के लोग जो वो हिंदू बने पड़े, आज अजीत सिंह का बेटा कहाँ है? कहाँ है? बीजेपी में है ना। आज चिराग पासवान कहाँ है? बीजेपी में है ना। तो वो सारे के सारे लोग बीजेपी गोद में बैठे, वही मंडल को छोड़कर कमंडल में चले गए। तो अगर इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बन रहा है या हिंदू राम आ रहा है, कह रहे राम जी आएंगे, तो किसके कंधों पे आ रहे हैं वो? इन्हीं अनपढ़ और ये जो हमारे अपने वाले ना SST OBC जो नेता, इन्हीं के कंधों पे चल के आ रहा है। बिना BSP के देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 में बीजेपी रिपीट कर रही है, आप इस बात को स्वीकार करो। 400 पार हो, 250 पार हो, वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी देश के युवाओं के ऊपर और खासतौर से देश के गवाहों के ऊपर पूरा नशा है धर्म का। और अब CA लागू कर दिया और अब सब मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो जाएंगी और अब राम मंदिर बन गया, धारा 370 की, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आप तो शुरू से बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, उनकी सरकार आएगी? नहीं, मैं तो नहीं कर रहा, मैं कोई प्रवक्ता तो हूँ नहीं उनका, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ ना, मैं जो मुझे दिख रहा है मैं वो स्वीकार कर रहा हूँ। मुझे दिख रहा है कि MTech BTech करने के बाद में, ग्रेजुएट होने के बाद में जो बच्चे को आंदोलन करके सरकार की आंख में आंख डाल करके नौकरी मांगनी चाहिए थी, उसको कहना चाहिए मेरी नौकरी कहा, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, आज वो बैटरी रिक्शा चला रहा है और उसने बैटरी रिक्शा पर राम की जय श्री राम का झंडा लगा रखा है। तो आप देखिए ना, धर्म का नशा कितना बड़ा हो गया। वो MA BA करने के बाद में, BTech करने के बाद में नौकरी नहीं मांग रहा है, वो कह रहा मोदी जी ने जो काटी का मंदिर बना दिया। तो वो जो जिस आदमी को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए था, वो मंदिर की लड़ाई में खड़ा है, तो सरकार का काम तो आसान हो गया ना। और हमारे जो बहुजन नेता है, जो नॉन बीजेपी के, बहुजन भी छोड़ी, जो नॉन बीजेपी की पार्टियां, वो एक मंच पाने को तैयार नहीं है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, तो बीजेपी के अलावा, बीजेपी के जितने घटक दलों ने बीजेपी के साथ जा रहे थे, उसके बाद में जो भी हैं, अगर वो सही माने में देश को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, तो एक मंच पर आए। प्रधानमंत्री कौन और कब और कैसे बनेगा बाद में तय कर लेना, पहले देश को बचा लो। लेकिन नहीं आएंगे, किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास में बंगले ज्यादा है, किसी के पास गाड़ियां ज्यादा है, किसी, मोदी जी ने हर आदमी की नमज पकड़ रखी है, जितनी चाबी भरते हैं मोदी जी और RSS डबल इंजन की सरकार, उतने हमारे बहुजन नेता फुदकते हैं, ये सच्चाई है। और मैं फिर कह रहा हूँ आपके, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ, अरे 131 को छोड़ो भाई साहब, बड़े नेता क्यों नहीं बोल रहे? बोले ना, अरे अखिलेश यादव, मायावती, सारे एक मंच पर क्यों नहीं आते हैं? कांग्रेस सारे एक मंच पर क्यों नहीं आते? आओ ना, OP राजभर क्यों बचे बीजेपी गोद में जाकर बैठ गए, जो कल तक क्या नाम है संजय निषाद क्यों नहीं आ रहे हैं, पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल क्यों नहीं आ रही? ये तो कट्टर अम्बेडकरवादी थे, सोनेलाल पटेल जिनकी बेटियां हैं, तो ये निजी फायदा है उनको लग रहा है। समाज की चिंता किसी को नहीं है, अगर समाज का दर्द होता तो ये लोग एक मंच पर आते, समाज का दर्द नहीं है, इनको सबको अपने गाड़ी घोड़ा बंगला बचाने हैं, कल को ED CBI भेज देंगे, जेल जाना पड़ेगा, इसलिए समाज भाड़ में जाओ, संविधान भाड़ में जाओ, लोकतंत्र भाड़ में जाओ, बहुजन महापुरुषों के विचार की एकाकी भाड़ में जाओ, इनको अपने आप को बचाना है, नकली और नालायक अम्बेडकरवादी है सर। धन्यवाद।